एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताऊंगी। हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखित है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सभी की शक्तियां विभाजित की गई हैं और उसे अच्छे ढंग से संविधान में लिखा गया है। शक्तियों का विभाजन, हर संघीय देश की तरह भारत में भी केंद्र से लेकर प्रांतों तक शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में भी शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया है, संघीय सूची, राज्य सूची और सामर्थ्य सूची। अब शेष शक्तियाँ, वे शक्तियाँ जिनका ना केंद्र में आता है और ना ही राज्य प्रांतों में आता है, उस विषय को केंद्रीय क्षेत्राधिकार द्वारा संभाला जाता है और उन्हें अवशेष शक्तियाँ कहा जाता है। कठोर संविधान, हर संघीय देश में संविधान का कठोर होना अति आवश्यक है। भारत का संविधान भी कठोर है, चाहे इतना कठोर नहीं जितना कि अमेरिका का संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, भारतीय संविधान में भी विधानमंडल को 2